जिस भाई ने कुरान पाक हाथ में पकड़ा हुआ है, इसने दुपट्टा लिया हुआ और ये गजल अभी बनी हुई है और छलांगे मार रहे हैं ऊंची ऊंची और कर रहे हैं गजल अभी शाउट आउट। कहते रहे जब भी मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। क्या भाई छोड़ो यार, कल भी घर पे फायरिंग हुई है, उसके दरवाजे पे खड़े हो गए, ये अल्फाज हैं, कौन बगैरत बर्दाश्त करेगा ये बात भाई। मैं मारता अच्छा, ना तो क्या करता, जफियां डालते इनको, किसी के दरवाजे पे आके उसी की बहन बेटी के ऊपर आप वीडियो बना रहे हो गलत किस्म की, तो मार तो पड़ेगी। ना मैंने करवाया, ना भाई ने करवाया, चैनल चूल्हा हमने कोई डिलीट नहीं करवाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान अली हमजा और आपको खुशामदीद कहता हूं अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल है जिसमें दो लड़कों ने बैठ के इंटरव्यू दिया और उन्होंने कुरान मजीद उठा के हल्फ उठाया कि रजब और उसकी फैमिली ने हमें तशद्दुद का निशाना बनाया और हमें जान से मारने की धमकी दी। तो मैंने सोचा क्यों ना रजब से पूछ लें कि रजब मतलब कि कोई बदमाश है क्या, है क्यों लोगों को मारी जा रहा है, मामला है क्या। तो रजब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, रजब से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रजब, कैसे हैं आप, खैरियत से? मैं ठीक हूं अली भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ये क्या मामला है, वो लड़के दो वीडियो बना रहे हैं कुरान मजीद उठा के, बहुत से लोग जो है व्यूज के लिए भी करते हैं, पिछले दिनों भी फायरिंग हुई, उसने कहा मैंने व्यूज के लिए की, ये क्या मामला है? आपने बता रहे हैं कि तशद्दुद का निशाना बनाया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, भाई वो लड़के बच्चे दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनको बिल्कुल मारा है फैमिली ने, नहीं मैंने मारा है, और साथ मेरे जो भाई हैं, मेरी बहन के हस्बैंड जवाद अली, हमने मारा है, मेरे गार्ड्स ने मारा है। मैं आपको सारा मामला बताता हूँ। वो बच्चों ने कुरान पाक तो उठा लिया, ये तो बता दिया यहाँ मारा, यहाँ मारा, यहाँ मारा, सारा बता दिया उन्होंने, ये नहीं बताया कि क्यों मारा। हम लोग साइको हैं या हम पागल हैं? हम लोग पागल तो नहीं है कि आप हमारे घर पे आए हो, दरवाजा नॉक किया, जी पिक्चर लेनी है, हमने अंदर आपको कर लिया और मारने लग गए, ऐसा तो नहीं है भाई। ये वो लड़के हैं, ये ना अभी मेरे घर पे 27 को फायरिंग हुई है और 27 को ही मुझे ना इनकी वीडियो भेजी दो तीन बंदों ने, मैंने इग्नोर की। ये क्या करते हैं, ये तीन लड़के हैं, ये कंटेंट बनाते हैं। एक लड़का, जो लड़के ने कुरान उठाया हुआ ना, उसका नाम मुझे नहीं पता, जिसने कुरान पकड़ा हुआ, वो दुपट्टा लेता और वो मेरी बहन बनता है, गजल अभी बनता है। मेरी बहन क्या करती है, उसके गेट पे कोई भी आता है वो शाउट आउट दे देती है, उनका व्लॉग स्टार्ट कर देती है, रिक्वेस्ट कर लेती है कि इनको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, कह देती है। अब इन्होंने ना उसकी ड्रामेबाजी करना स्टार्ट कर दी, उसकी कॉपी करना स्टार्ट कर दी विद बैड लैंग्वेज, गलत अल्फाज के साथ उसकी कॉपी करना स्टार्ट कर दी, ऊपर लिखना, टाइटल ऊपर डालना गजल आपी और नीचे गंदे गंदे अल्फाज, मैं बता नहीं सकता। अच्छा, ठीक है। अब ये लोग वीडियोस बना रहे थे, ठीक है, अपनी चार दीवारी में बनाते, ओके। मुझे कुछ वीडियोस ऐसी आई जो इन्होंने मेरे दरवाजे के आगे आगे खड़े होकर बनाई, मेरे जो अपार्टमेंट की बिल्डिंग है ना, वहां पर आके खड़े हैं तीनों लड़के, एक लड़का जो है वो रजब बना हुआ है, एक लड़का गजल बना हुआ है, जो कुरान पाक वाला लड़का ये गजल था, और एक कोई और जो तीसरा लड़का था जो साथ के बैठा हुआ था वो कोई और करेक्टर बना हुआ था, और गंदे गंदे अल्फाज यूज कर रहे हैं। एक लड़का शाउट आउट लेने आ रहा है और गजल आपी आगे से खुद बकवास कर रही है, जो कि उन्होंने शबीह दी हुई थी गजल आपी की, तो मैंने इग्नोर किया। खैर, अब जिसकी वो बीवी है जवाद भाई, उससे नहीं बर्दाश्त हुआ, उसने वीडियो देखी, उसने मुझे सेंड की, मैंने कहा भाई मैंने देखी है, ऑलरेडी वॉच्ड। कहते रहे जब भी मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। मैं कहा भाई छोड़ो यार, कल भी घर पे फायरिंग हुई है, अम्मा पहले घर से निकलने नहीं दे रही, सीए मैं जा थक गया, पुलिस स्टेशन मैं जा रहा हूँ, क्या करना है? कहते आप इजी हो जाए, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। इनकी किस्मत खराब, और इनको पता भी है, सारे सोशल मीडिया पे चल रहा था, मैंने स्टोरी लगा दी थी कि मेरे घर पे फायरिंग हुई है 27 को, ये चौधरी 28 की दोपहर को मेरे घर के साथ ही दो गलियां छोड़ के, मेरी बहन का घर है, ये उसके घर के बाहर खड़े होकर सेम वही वीडियो थे, और इस बार मजीद गंदे अल्फाज के साथ ना वीडियो बना रहे हैं। दुपट्टा लिया हुआ है, ये जो कुरान पाक पढ़ा ना जिस भाई ने, जिस भाई ने कुरान पाक हाथ में पकड़ा हुआ है, इसने दुपट्टा लिया हुआ और ये गजल अभी बनी हुई है और छलांगे मार रहे हैं ऊंची ऊंची और कर रहे हैं गजल आपी शाउट आउट, और गजल आपी आगे से कुछ गलत अल्फाज बोल रहे हैं, और ये उल्टा गजल आपी को गलत अल्फाज बोल रहे हैं, और इनको जो है वो 5-5 लाख या 4-4 लाख कितने मुझे नहीं पता व्यूज आ रहे हैं, जितने भी चाहे एक भी व्यूज ना आता हो, हमारे दरवाजे के आगे खड़ा होके। अब ये वीडियो बाहर खड़े होकर बना रहे थे, जवाद भाई जो कि गजल के शोहर हैं वो अंदर बैठे हुए थे, कैमराज लगे हुए हैं, उन्होंने इसको ना कैमरे में देख लिया, वो भाग के गए, उन्होंने पकड़ लिया। एक लड़का भाग गया जिसका वो चैनल था ना मेन, वो भाग गया, दो पकड़े गए, जिनको मार पड़ी है वही दो बैठे हुए। अच्छा। पकड़े गए, उन्होंने मुझे फोन किया, मैं आया हूँ, मैंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, मेरे कल घर पे फायरिंग हुई भी थी, ऊपर से यार मेरी बहन है यार, एक एक बहन है, आपने रोस्टिंग करनी है, 100 बंदा करता है, आप बैठ के कर लो अपनी चार दीवारी में, मुझे पता हो यार मेरी रसाई नहीं है, मैं कैसे पकड़ूं, कभी सामने आया तो देखी जाएगी, अब आप मेरे दरवाजे पे आके करोगे तो मैं कहां से इतना बड़ा जिगरा लेके आऊंगा कि मैं कहूंगा यार ठीक है ओके, मैं कुछ बगैरत हूँ या मैं कोई नजायज फरोश हूँ कि मेरी बहन के बारे में गलत अल्फाज बोलोगे, उसकी आप रोस्टिंग करोगे मेरे दरवाजे पे आके, मैं कैसे टॉलरेट करूंगा? मैंने मारा, मेरे गार्ड्स ने मारा, जिसकी वो बेगम है उसने मारा। अच्छा, वो बता रहे हैं कि आपने साथ कोई डराया धमकाया भी कि जान से मार देंगे अगर आपने किसी को बताया,
और आपने उनका चैनल भी डिलीट करवा दिया। भाई अगर असली अड्डे चूचे ऐसे काके नहीं है किसी को बताने भी दूने का डर अगर होता तो हम इसको चपेटे, वो ही मारते जिनके निशान ना पड़ते, मुंह पे जो निशान है वो हम नहीं मारे, मैं एडमिट करता हूँ। लेकिन एक इंसान की लिमिट होती है, मेरे ऊपर रोस्ट करो, मुझे बकवास करो, चलो गजल को भी कर रहे हो अगर वो यूट्यूब पे है, वो टिकटॉक पे है, उसको भी कर रहे हो, चार दीवारी में कर लो यार। ये कैसे कोई बर्दाश्त करेगा कि उसके दरवाजे पे आके उसी की बहन की नकलें करोगे, उसको दुपट्टा पहन के गलत गलत अल्फाज बकोगे, कैसे बर्दाश्त करेगा एक इंसान जो अपना कमा रहा है, अपना खा रहा है, किसी से लेता कुछ नहीं है। अच्छा यार रजब, आप जहाँ पे कंटेंट करते हैं, जारी बात है कि आपके कंटेंट में जो भी आपके कंटेंट में आते हैं, आपके ब्लॉग में आते हैं, लोग देखते हैं, बहुत पसंद भी करते हैं, वहाँ पे फिर कुछ नाकदीन भी होते हैं, कुछ लोग तनकीद भी किया करते हैं, कुछ लोग रोस्ट भी करते हैं, तो आप कितने लोगों के साथ लड़ते रहेंगे? ये तो आपको नहीं लगता कि यार छोटे छोटे बच्चे थे भाई, मैंने इनको मारा है मेरे दरवाजे, मैं आपको बता रहा हूँ भाई, घटिया लैंग्वेज यूज करोगे मुझे वो जहां नजर आएगा मैं मारूंगा, मेरे पे कार्रवाई हो, मेरे पे कुछ भी हो। बहन बेटी के ऊपर किसी की बात ना करो, मैंने कभी नहीं की, मेरे नहीं, करो जो दिल करता है। भाई मेरी बात सुने ना यार अली भाई, थोड़ा सा जरा इससे निकल के आम जिंदगी, एक नॉर्मल इंसान समझे मुझे, एक नॉर्मल पर्सन समझे कि मेरी बहन बेटी जिसने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, आप उसके ऊपर घटिया इंसान यूज करोगे? जब तक मुझे पता है मेरी रसाई नहीं है, मैं इसको पकड़ नहीं सकता, ठीक है मैं सबर शिक्र कर लूंगा, जब मेरे सामने आ जाओगे मैं इससे बुरा हाल करूंगा। नहीं क्या करो दोस्तों पे करो, हाल करते थे क्या करते थे, मतलब कि कोई अल्फाज है ना इस्तेमाल करने वाले यार, वो भी सोशल मीडिया पे, भूए थे आके उसके दरवाजे पे खड़े हो गए, ये अल्फाज है कौन बगैर बर्दाश्त करेगा ये बात भाई? मैं मारता ना तो क्या करता, जफियां डालते इनको। वो कह रहे हैं आपने को गोदाम में बैठा के फिर नीचे उधर को, मेरा कितना गोदाम आ गया, उनका कुरान हस चुके आई ये एनी गल सच दसी ना मन मार पई है, सच दस आप घर जा रहे हैं ना, इसके बाद आप घर जाएंगे ना, आप जाके देख लीजिएगा कौन सा गोदाम बना हुआ वहां पे, मेरे घर तो गोदाम कोई नहीं है। तो फिर ये वहां से बार कुटाई करने के बाद मैं चला गया, मुझे थाने से फोन आ गया, जवाद भाई ने अम्मा ने इसको बिरयानी खिलाई, इसके दिल की सुराख में इसको दर्द याद आ गई, मेरे दिल में दर्द है, मार ज्यादा पड़ गई, ठीक है पहले याद नहीं आया, जब किसी के इतनी दिलेरी पता नहीं आती कहाँ से भाई, किसी के दरवाजे पे आके उसी की बहन बेटी के ऊपर आप वीडियो बना रहे हो गलत किस्म की, तो मार तो पड़ेगी। अम्मा ने फिर जवाब भी ने उनको बिरयानी खिलाई, बिरयानी खिला के 1000 रुपया दिया कि ये लोग कराया तुम्हारे पास, जेब में कराया नहीं जाने को, जो इनका टॉप का जो फ्रेंड था ना जो सबसे ऊपर था वो भाग गया, वो आया नहीं, इनको लेने भी नहीं आया। और अभी आप जब जाएंगे घर जवाब भाई से मिलने, वहां पर वो लड़का आया हुआ है अपने बड़े भाई के साथ माजरत करने, इंटरव्यू पे खुद देगा और सारी असलियत भी बताएगा। मैं पास से कोई बात नहीं कर रहा, बिरयानी बिरयानी खा के गए हैं, हंसी खुशी किए, फिर हाँ जी बिरयानी खिलाइए भाई, कुरान पाक ले आए मैं उठा लेता हूँ, बिरयानी खा के 1000 रुपया किराया दिया कि ये लो बेटा आइंदा ऐसी हरकत नहीं करती। और यार ये यार अम्बी भाई बता रहे हैं कि आपने चैनल इनका डिलीट करवा दिया, चैनल वैनल भी था इनका, कुछ चैनल डिलीट करवाया आप लोगों ने? मुझे मौला अमीर की कसम मैंने किसी का चैनल डिलीट नहीं किया, इन्होंने वीडियोस डिलीट किए हैं, यानी कि वीडियोस तो खैर मिल जाएंगी आपको, वो वीडियोस भी नजर आएंगे कि किस तरह की वाहियात हरकतें मेरे दरवाजे पे मेरी बहन के दरवाजे पे करते हैं, मैंने कुछ डिलीट नहीं किया, मैं इनको मार कुटाई करके मैं चला गया था, जवाद भाई ने उसके बाद इनको पंखे में बैठाया, इनको खाना छाना खिलाया, 1000 रुपया दिया किराया दिया को जाओ इंटरव्यू देना है, जो देना तो हमने तो कुछ कहा ही नहीं कि कुछ ना करना, जो दिल करता करो। ये क्या कहते हैं, खुला पे काम है, मेरे दरवाजे पे आके या मुझे सामने कहीं नजर आ जाओगे बहन बेटी पे बात की होगी मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरे पे कानूनी कार्रवाई हो जो भी हो मैं देख लूंगा। खैर नहीं इन लोगों ये इजाजत लेके कोई मीटअप करने आए थे या वैसे ही वैसे मुंह नहीं भाई, मैं आपको बता तो रहा हूँ उनके जिगरे चेक करें कितने हैं, वो माफिया बने हुए हमारे ऊपर, उनको लगता है कि ये तो गूंगे बह रहे हैं घर से बाहर आएंगे ही नहीं, हमारे दरवाजे पे खड़ा होकर मेरी बहन के ऊपर जो 3 हफ्ते डिप्रेशन का शिकार रही है ये सब रोस्टिंग की वजह से, उसने व्लॉग नहीं किया कि यार वहां बहुत बहुत वहां नेगेटिव है भाई, पता नहीं कहां से आती है, सिर्फ अपने कुछ व्यूज कुछ लाइक्स के लिए अगले बंदे को डिप्रेशन में डाल देते ये लोग। लेकिन यार कोई इजाजत नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई कुछ नहीं, ये आया इंटरनेट हमारे दरवाजे पे खड़ा होकर जहां पर मेरी बहन खड़े होकर शाउट आउट देती है वहां पर खड़े होकर नकल कर रहे थे, कैसे बर्दाश्त करेंगे भाई? बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार आप मतलब कि ये ख्वाहिश तो रखते थे, चाहते तो थे कि लोग आपके घर आए आपसे मिले, तो फिर हो जाते हैं फिर इस तरह के मिसहैप, बहरहाल ये नहीं होना चाहिए, कोई गल नहीं जो असी कर रहे हैं फिर वही होता रहेगा, मनु फाड़ लेवे कानून फाड़ लेवे, मैं बेल करावांगा अपनी कोई गल नहीं, मैं हो जाए कम नहीं बर्दाश्त करांगा भाई, मैं कोई भाई मैं भाई मेरी बात सुने, आप लोग जो है ना भाई अली भाई आप लोग चीजें लेके चल रहे हैं, आप लोगों ने हर चीज सेट करनी है, मेरा ख्याल है ये वाली बाउंड्रीज सेट होनी चाहिए, ये कोई वो तो नहीं है कि ये पत्थर पे लकीर है कि जी हम लोग चाहते थे हमें फेम मिले हम पैसे कमाएं और बाद में हमारी जो है माँ बहनों को आप नंगा करें इस तरह हमारे दरवाजे पे आके, मैं तो बिचोला जाऊंगा अगर ये ऐसा भी बुरा मारांगा कोई आगे तो सही बता रहे हैं कि आपने कड़े शड़े मारे,
और कड़े कड़ा मारे वो वैसे मेरे हाथ में पहना हुआ तो जब चपेटे मारी उसको लग गया होगा। ये रोते नहीं उधर वहां पे स्पेसिफिकली कड़ा नहीं मारा उसको, रोता रहा वहां पे। ये वैसे कैसी चपेटा थी फिर भाई, दो चपेटों पे रोने लग गया था यार ये पता नहीं कहां। अली भाई क्या डीप बातों में जाना, आप वहां जाएं, इनका जो बॉस है ना, जो इनका लड़का है वो भी भाइयां तैयार साल है, वो आपको सारा डिटेल में बताएगा, हाँ जी हमसे गलती हुई है, उसका बड़ा भाई उसको लेके आ रहा है माजरत करने, वो आपको इंटरव्यू देगा। अच्छा मेरी बात नहीं, ये कौन सी लड़ाई थी जिसमें वो दो चार चित्र खा के रोए, फिर बिरयानी खाई, फिर जाने का किराया लिया, उसके बाद उन्हें याद आ, दिमाग खराब हुआ था ना उस बंदे का भी, जिसकी बेगम है जो 3 हफ्ते से डिप्रेशन में है, उस भाई का भी जिसके कल घर पे फायरिंग हुई है, आज सुबह उसकी बहन का कोई नकलें कर रहा है उसी के दरवाजे पे आके, हमारा भी दिमाग खराब हुआ था, हमने गुस्सा निकाला, बाद में इसको दिल में दर्द नजर आ गई, दूसरे को अपनी माँ याद आ गई, फिर बिठाया खाना छाना खिलाया, 1000 रुपया दिया कि बेटा जाओ जाओ इंटरव्यू दे दो जो मर्जी कर लो। खैर अच्छा, कुरान उठाया हुआ सही उठाया हुआ उसने, कुरान गलत नहीं उठाया, लेकिन वो बता नहीं जाके मैंने क्या किया था कि मुझे क्यों मारा। और वैसे ही इंटरव्यू लेने वाले जो कि जाके इंटरव्यू ले रहे हैं, बात की जड़ तक नहीं जा रहे। आपकी वालदा भी उस वक्त मौजूद थी, वो कह रहा है कि इनकी वालदा, मेरी मम्मा गई हुई थी मिलाद पे, हाँ जब मैंने इनको मार कुटाई करके बिठा दिया था साइड पे, तब अम्मा आई थी, अम्मा ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, अम्मा को पता था कि ये बच्चे कौन है, एंड पे बिरयानी अम्मा ने ही खिलाई थी इनको कि बेटा ना ऐसे काम किया करो। और उसके बाद हंसी खुशी रजामंद होके गए थे, नहीं पता मैं चला गया भाई, जवाब भेजे सिर्फ, बाकी अगला सारा मामला चैनल आप कह रहे हैं आपने डिलीट नहीं करवाया वो खुद नहीं नहीं